Hello friends, welcome back to Learning C Online, and this is lecture 11 of the series. In the previous lecture, yani lecture 10 mein, हमने discuss करा था escape sequences को. Escape sequences क्या होते हैं, उनको क्यों एक programmer अपने code के अंदर use करता है. आज के lecture में अपन discuss करते हैं एक बहुत ही basic लेकिन बहुत जरूरी topic, क्योंकि आपकी पहली programming language है, तो हर basic topic आपके लिए fundamental concept सीखने के लिए बहुत जरूरी है. So, आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सेप्टिंग यूजर इनपुट. राइट, सबसे पहले तो एक छोटा सा मैं डिस्कशन कर लूं, वैसे तो आप जानते ही होंगे इस टर्म को, फिर भी लेट मी डिस्कस इट फर्स्ट. प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हु आर यूजर्स, तो इन जनरल यूजर वो लोग हैं, वो बंदे हैं जो आपके बनाए गए सॉफ्टवेयर्स को एग्जीक्यूट करेंगे, आपके बनाए गए सॉफ्टवेयर्स को रन करेंगे. जैसे आप विनैम के लिए उसके यूजर है, आप नोटपैड के लिए उसके यूजर है, तो कोई भी इंसान जब प्रोग्राम लिखता है तो ही इज अ प्रोग्रामर, और जिसके लिए वो ये प्रोग्राम लिख रहा है उसे हम क्लाइंट, यूजर कुछ भी कह सकते हैं. तो यहां यूजर मैं उस बंदे को मान रहा हूं जो आपके बनाए गए सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा. अब आप अगर अपने पिछले प्रोग्राम जो हमने इस सीरीज में पढ़े उनको एक बार रिकॉल करें, तो जितने भी प्रोग्राम्स हमने पढ़े वो सिर्फ एक काम कर रहे थे, वो स्क्रीन के ऊपर मैसेजेस डिस्प्ले कर रहे थे. जैसा मैंने आपसे इनिशियल लेक्चर में कहा था, जब भी कोई प्रोग्राम स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले करता है, इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वी बेसिकली कॉल दिस थिंग एज आउटपुट. प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसे हम आउटपुट देना कहते हैं, लेकिन आउटपुट आपके प्रोग्राम का आधा पार्ट हुआ. कोई भी प्रोग्राम कोई फ्रूटफुल काम जनरली तभी कर पाता है जब वो यूजर से इंटरेक्ट कर सके, जब वो यूजर से किसी तरह का डेटा ले सके. और याद रखिएगा, जब यूजर से आप किसी भी तरह का डेटा लेते हैं, इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वी कॉल आप उसे इनपुट ले रहे हैं, आप यूजर से वैल्यूज फीड करवा रहे हैं. तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम सी लैंग्वेज में अगर हम बनाते हैं या किसी भी लैंग्वेज में हम बनाते हैं जो यूजर से डेटा लेता है, तो यूजर से वैल्यूज या डेटा लेने को अपन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कहते हैं इनपुट लेना या यूजर इनपुट लेना. ठीक है, अब आज अपन थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं. आज मैं आपको पहले प्रोग्राम का आउटपुट दिखाता हूं कि हम किस तरीके का प्रोग्राम आज बनाना चाह रहे हैं. अपन देखते हैं इसमें क्या कुछ ऐसा है जो हमें करना आता है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं. ठीक है, तो आप अपने पुराने लेक्चर्स जो आपने अटेंड करे होंगे सीरीज में, उन्हें रिकॉल करते हुए कोशिश करिएगा या आइडेंटिफाई करने की कि जो मैं आउटपुट आज आपको दिखा रहा हूं उसमें क्या कुछ आप करना जानते हैं, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आज के लेक्चर में आप फ्रेश सीखेंगे. ठीक है, सो आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो जब एग्जीक्यूट होगा, तो मैं चाहता हूं सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर हमारा प्रोग्राम एक मैसेज दे, एंटर योर एज. ये मैसेज देने के बाद मेरा प्रोग्राम पॉज हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, वेट करना चाहिए कि यूजर इस मैसेज को पढ़ने के बाद एज एक्सपेक्टेड अपनी एज इनपुट करे. मान लीजिए यूजर आपको अपनी एज 25 देता है इनपुट करके, या कोई भी वैल्यू देता है. ये वैल्यू देने के बाद यूजर एंटर स्ट्राइक करेगा, और जैसे ही वो एंटर दबाएगा मेरा प्रोग्राम स्क्रीन पे आउटपुट देना चाहिए योर एज इज फॉलोड बाय द वैल्यू दैट इज 25. आप देखने में सिर्फ ये दो लाइनों का आउटपुट आप जनरेट कर रहे हैं अपने कोड से, बट आज देखिएगा आज का पूरा लेक्चर, पूरा सेशन इस प्रोग्राम के आउटपुट को जनरेट करने में जाएगा, क्योंकि सीखने को आज के लेक्चर में बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो आगे के लेक्चर्स के लिए, आगे की सी प्रोग्रामिंग के लिए आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, तो एक बार रिकॉल करते हैं कि इसमें क्या कुछ ऐसा है जो आप अभी तक की सीरीज पढ़कर बना सकते हैं. इस प्रोग्राम को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इसमें सबसे पहले दो काम हो रहे हैं, स्क्रीन क्लियर करके मैसेज आ रहा है एंटर योर एज. अगर आप रिकॉल करें तो ये काम आप सी लैंग्वेज में दो फंक्शन की मदद से कर लेंगे, एक CRSCR और दूसरा फंक्शन जो यूज हो रहा होगा जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज printf. अब आपने गौर करा होगा एंटर योर एज के बाद मैंने कहा था प्रोग्राम पॉज हो जाना चाहिए और यूजर को इतना मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी एज टाइप कर पाए, अपना डेटा फीड कर पाए. ध्यान दें, ये जो एज यूजर टाइप कर रहा है, जो डेटा यूजर फीड कर रहा है, इसे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ही अपन बुलाते हैं इनपुट. और आज इसी काम को करने के लिए हम सी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज scanf. हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा हो कि एंटर योर एज के बाद प्रोग्राम को पॉज करने के लिए getcsv तो हम यूज कर सकते हैं. Then why we are discussing about the function scanf. getcsv लगाएंगे तो भी तो प्रोग्राम एंटर योर एज मैसेज देने के बाद पॉज हो ही जाएगा.
नो डाउट प्रोग्राम एंटर एज मैसेज देने के बाद पॉज हो जाएगा, लेकिन गेट सी एच याद रखिएगा सिंगल की स्ट्रोक लेता है, और गेट सी एच सिंगल की स्ट्रोक से मेरा मतलब यूजर अगर 25 लिखने की कोशिश करेगा वो 2 टच करेगा और गेट सी एच आगे बढ़ जाएगा, तो इतना मौका ही नहीं मिलेगा यूजर को कि यूजर पूरी वैल्यू दे पाए और उसके बाद एंटर स्ट्राइक करे तो हमारा प्रोग्राम आगे बढ़े। एटलीस्ट जिस स्टेज पे हम हैं उस स्टेज पे अभी हम गेट सी एच इस काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। वो हो सकता है यूज इस काम के लिए, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा और सी में आगे की चीजें पढ़ें तब ये काम आप कर पाएंगे, जैसे लूप्स वगैरह। अभी के लिए इस काम को करने का टेलर मेड फंक्शन सी आपको देती है, बना बनाया फंक्शन जो इस तरीके का इंटरेक्शन आपके प्रोग्राम के अंदर लाता है, और वो इंटरेक्शन आप ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन कॉल्ड एज स्कैनएफ। स्कैनएफ जैसा कि नाम सजेस्ट करता है वैल्यू स्कैन करता है, स्कैन करने को ही अपन कहते हैं इनपुट लेना, और स्कैनएफ बिल्कुल प्रिंटएफ की तरह आता है फ्रॉम द हेडर फाइल stdio.h। तो एक तो आज के लेक्चर में हमको सीखना है द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूज ऑफ द फंक्शन स्कैनएफ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको स्कैनएफ फंक्शन पढ़ाऊं हमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है आज, जिसकी शुरुआत मैं आज करूंगा और इसको इन डेप्थ अपन कवर आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। सुनिएगा ध्यान से कौन सा कॉन्सेप्ट जो आप इस प्रोग्रामिंग में पहली बार देख रहे हैं, बट आज के बाद ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। मैंने कहा जब ये प्रोग्राम रन हो तो मैं यूजर से उसकी एज लेना चाहता हूं, ठीक। ये जो एज यूजर मुझे टाइप करके दे रहा है जो यहां मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं एज 25, इस 25 को मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं स्टोर करना होगा, कहीं रखना होगा, कहीं होल्ड करना होगा। और प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह अगर हमें वैल्यूज को स्टोर या होल्ड करना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हमें बनाने पड़ते हैं वेरिएबल्स। आई रिपीट द स्टेटमेंट, जब भी हमें अपनी प्रोग्रामिंग में यूजर से या किसी भी तरह से कोई वैल्यू या कोई डेटा होल्ड करने की जरूरत है, स्टोर करने की जरूरत है, तो जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आप वेरिएबल्स बनाते हैं जिनमें वैल्यूज रखी जाती हैं, ऐसे प्रोग्रामिंग भी करते वक्त कोड लिखते वक्त भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं जिनमें हम स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज। अब जितना आसान मैथ्स में वेरिएबल बनाना है अनफॉर्चुनेटली उतना आसान प्रोग्रामिंग में वेरिएबल बनाना नहीं होता, एटलीस्ट एक बिगिनर के लिए। मैथ्स में तो आपने कह दिया लेट एक्स बी इक्वल टू 25, तो अपन मान लेते हैं एक्स नाम का वेरिएबल बन गया, 25 उसमें वैल्यू आ गई। बट इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वेरिएबल बनाना भी एक प्रॉपर सिंटेक्स, एक प्रॉपर रूल को फॉलो करके आप कर पाते हैं। अब जहां तक सी लैंग्वेज का सवाल है, अगर सी में आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा जब हम वेरिएबल बनाते हैं उसे प्रोग्रामिंग में बोलते हैं डिक्लेयर करना, तो सी लैंग्वेज में जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो सी आपको एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स देती है जिसको आपको करना पड़ेगा फॉलो। सिंटेक्स के बारे में आई होप आपको याद होगा, सिंटेक्स वो रूल्स होते हैं जिन्हें मानना पड़ता है, और अगर हम नहीं मानते हैं तो कंपाइलर जनरेट करता है सिंटेक्स एरर। तो सी लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो जनरल सिंटेक्स होता है वो होता है सबसे पहले अपन अपने प्रोग्राम के अंदर कंपाइलर को वेरिएबल की बताते हैं डेटा टाइप। ध्यान दीजिएगा एंगुलर ब्रैकेट्स एक्चुअल में नहीं आएंगे, वो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं। एंगुलर ब्रैकेट सिर्फ हम सी लैंग्वेज के अंदर हेडर फाइल्स को इंक्लोज करते वक्त लगाया करते हैं। ओके, सो डेटा टाइप लिखते हैं अपन, डेटा टाइप के बाद अपन मेंशन करते हैं वेरिएबल का अपनी पसंद का कोई भी एक नाम, और क्योंकि आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं डू नॉट फॉरगेट टू टर्मिनेट विद द सेमीकोलन। ठीक है, आप समझते हैं इस लाइन में वेरिएबल नेम से और डेटा टाइप से क्या मतलब है। वेरिएबल नाम बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे मैथ्स में आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ए बी एक्स वाई पी क्यू आर करके वेरिएबल्स बनाते हैं, ऐसे प्रोग्रामिंग में भी आप वेरिएबल्स बनाते हैं। नो डाउट प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट वो रूल्स मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। आज तो हम मान लेते हैं एक सिंपल सा वेरिएबल ए के नाम से अपने प्रोग्राम में बनाने वाले हैं। ठीक, तो वेरिएबल का नाम तो आप बहुत सिंपल तरीके से दे सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए क्योंकि ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है वो है डेटा टाइप। याद रखिएगा डेटा टाइप वो स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जिनके जरिए प्रोग्रामर कंपाइलर को यह बताता है कि वो जो वेरिएबल बनाने वाला है उस वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यू, किस तरीके का डेटा वो करने वाला है स्टोर। फिर सुनिए, डेटा टाइप मैंने कहा वो स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं, वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिन्हें प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में लिखकर कंपाइलर को यह कन्वे करने की कोशिश करता है कि वो जो वेरिएबल बना रहा है वो अपने अंदर किस तरीके की वैल्यू होल्ड करेगा। ठीक है, अब अगर आपसे एक नॉन प्रोग्रामर की तरह मैं बात करूं, एक नॉन प्रोग्रामर की तरह,
कि बताइए 25 क्या है, तो आप में से जनरली लोगों का जवाब होगा वो एक नंबर है। नॉर्मली हम लोगों के लिए संख्याएं नंबर्स होती हैं, बट इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, जनरली सी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में नंबर्स कुछ नहीं होते हैं। सी बोलती है नंबर ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक वो नंबर होते हैं जिन्हें सी में हम लोग बुलाते तो इंटेजर है, मुंह जबानी बुलाते तो इंटेजर है, बट जब लिखने की बारी आती है टू वी राइट इंट। ऐसी एक वो नंबर्स होते हैं जो रियल या फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं रियल वर्ल्ड में या सी लैंग्वेज के अंदर, और उन्हें जब हम लिखते हैं सी में तो हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं विद फ्लोट। और अगर आपका प्रोग्राम किसी भी तरह का कैरेक्टर या अल्फाबेट लेने वाला है तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं द वर्ड दैट इज कॉल्ड एज कैर। सो आई रिपीट, किसी भी नॉन डेसिमल न्यूमेरिक वैल्यू को रखने के लिए वी यूज इंट, वी प्रोनाउंस इट एज इंटीजर बट वी राइट इट एज इंट। किसी डेसिमल वैल्यू को रखने के लिए वी यूज फ्लोट, और किसी कैरेक्टर टाइप वैल्यू को रखने के लिए वी यूज कैर। अब अगर आपसे मैं कहूं या कोई पूछे ये तीनों क्या हैं, तो गौर कीजिएगा हमारे आज के डिस्कशन के हिसाब से ये तीनों के तीनों सी लैंग्वेज में कहलाएंगे डेटा टाइप्स। ध्यान दें इनकी वैरायटीज भी हैं और बहुत सारी हैं, बट जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स आपको सी लैंग्वेज की तरफ से मिलती हैं दे आर बेसिकली इंट, फ्लोट एंड कैर। यानी जब भी अपने प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामर किसी वैल्यू पे काम करेगा तो प्रोग्रामर वेरिएबल्स बनाएगा, जब भी वो वेरिएबल बनाएगा उन वेरिएबल्स को वो अलॉट करेगा डेटा टाइप, और जब भी आप डेटा टाइप्स अलॉट करेंगे इनिशियल लेवल पे आपके पास तीन चॉइसेस होंगी, यू कैन होल्ड इंटीजर वैल्यूज, यू कैन होल्ड डेसिमल वैल्यूज, और यू कैन होल्ड सिंगल कैरेक्टर वैल्यूज। गौर करिएगा सिंगल कैरेक्टर वैल्यू। अगर आपको लग रहा है सर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैंडल करने हो तो हम क्या करेंगे, तो सी लैंग्वेज में मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए हम एरेज बनाते हैं, कैरेक्टर एरेज बनाते हैं जिन्हें लोग स्ट्रिंग्स के नाम से भी जानते हैं, तो वो अभी हम हैंडल नहीं कर रहे हैं। कैर के अंदर हम अभी हैंडल कर पाएंगे सिर्फ एक सिंगल लेटर एक सिंगल वैल्यू। जैसे आपको किसी का जेंडर लेना है तो आप मेल या फीमेल नहीं ले पाएंगे, आपको काम चलाना होगा हाल फिलहाल इधर एम और एफ से। फिर जब हम कैरेक्टर अरे या स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ लेंगे तब इस पूरे वर्ड को हम कर पाएंगे हैंडल। सो टू बिगिन विद सी हमें तीन फंडामेंटल टाइप्स देती है। न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए दो ऑप्शंस हैं इंट एंड फ्लोट, डेसिमल के लिए जाना हो तो फ्लोट, नॉन डेसिमल के लिए जाना हो तो इंट, और अगर आपको कोई अल्फाबेटिक वैल्यू रखनी हो तो आपको यूज करना होगा कैर। यहां याद रखिएगा इंटीजर्स, जैसे अगर हम रोल नंबर ले रहे हैं तो वो प्योर इंटीजर वैल्यूज होंगे, उनमें किसी तरह का अल्फा न्यूमेरिक डेटा नहीं आएगा। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज रखनी हो, मल्टीपल कैरेक्टर्स रखने हो, सबके लिए याद रखिएगा सी में एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज कैरेक्टर एरे, या उसी को लोग बुलाते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप जो ओरिजिनल सी के पास था। बाकी के जो लेटर वर्जन है या C++ के जो नए कंपाइलर हैं वो स्ट्रिंग नाम की भी आपको एक बड़ी बनाई टाइप देते हैं, बट इन सी वी मेक यूज ऑफ कैरेक्टर एरे जब भी हमें प्रोग्रामिंग के अंदर होल्ड करना है मल्टीपल वैल्यूज को या अल्फान्यूमेरिक वैल्यू को, जो आगे हम सीखेंगे। अभी के लिए तीन फंडामेंटल टाइप्स हमारे पास हैं, एक इंट, एक फ्लोट और एक कैर। ठीक है, सो अब अपना प्रोग्राम बनाना मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे जैसे इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा नए नए कॉन्सेप्ट्स आपको मैं बताता चलूंगा जो इस पूरे लेक्चर के काफी सारी चीजों को कवरअप करेंगी। ठीक है, सो अगर आप पिछले लेक्चर अटेंड कर चुके हैं सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक स्टेटमेंट। एज यूजुअल हमारा पहला स्टेटमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, टारगेट हमारा ये कोड डेवलप करना है, इसके हिसाब से मैं कोडिंग कर रहा हूं। ठीक, सो हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट होगा हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर stdio.h हैश इंक्लूड विद एन एंगुलर ब्रैकेट्स विल राइट conio.h। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं मेन के अंदर। अब यहां पहला छोटा सा चेंज आपको दिखेगा, अभी तक आपने जितने भी कोड्स देखे उसमें सबसे पहला स्टेटमेंट में लिखता था clr str, आज नहीं लिख पाऊंगा, आज मुझे सबसे पहला स्टेटमेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन का लिखना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है ऐसा, क्योंकि सी लैंग्वेज, पर्टिकुलर सी लैंग्वेज का यह रूल है कि जब भी आपको अपने प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं पहले आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद आप कोई एग्जीक्यूटिवल या एक्शन स्टेटमेंट अपने कोड के अंदर लेंगे। clr str एक एक्शन स्टेटमेंट, एक फंक्शन कॉल है, और उससे पहले ही हमें प्रोग्राम में वेरिएबल्स कर देने चाहिए डिक्लेयर। अगर मैं clr str के नीचे int लिखूंगा या कोई वेरिएबल बनाऊंगा तो जो प्योर सी लैंग्वेज कंपाइलर्स हैं वो सारे के सारे जनरेट करेंगे सिंटेक्स एरर। सो डू रिमेंबर C++ के अंदर ये अलाउड है, बट C के अंदर हमें वेरिएबल्स पहले बनाने पड़ते हैं,
बाद में फिर हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक्शन स्टेटमेंट्स या फंक्शन कॉल्स दे सकते हैं। एक्शन स्टेटमेंट्स और क्या क्या है वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए फंक्शन कॉल्स के पहले वेरिएबल बनना चाहिए, फंक्शन कॉल के नीचे आप वेरिएबल नहीं बना पाएंगे। ठीक, सो क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर मुझे वेरिएबल की जरूरत है तो मुझे सबसे पहले डिक्लेयर करना होगा एक वेरिएबल जिसके अंदर मैं होल्ड कर पाऊंगा जो भी यूजर इनपुट देगा वो। ठीक है, अब ये जो 25 है ये अगर आज के डिस्कशन के हिसाब से अपन रूल आउट करें कि कौन सा हमारे पास पॉसिबिलिटी है जो हम 25 को रख सकते हैं जिसमें, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है हम यूज कर सकते हैं डेटा टाइप एज इंट, क्योंकि 25 डेसिमल नहीं है तो उसके लिए फ्लोट लेने का कोई मतलब नहीं है और वो अल्फाबेटिक भी नहीं है तो उसके लिए कैर भी नहीं यूज होगा। सो फॉर होल्डिंग नंबर्स लाइक 25 और एनी अदर नंबर वी मेक यूज ऑफ द डेटा टाइप इंट। तो मेरा पहला स्टेटमेंट मेरे कोड के अंदर होगा इंट ए। अब ध्यान दीजिएगा अगेन, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट लैंग्वेज है, अपन समझते हैं ये लाइन जैसी एग्जीक्यूट होगी हमारे सिस्टम के ऊपर इस लाइन के चलने का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटरनली हमारे कंप्यूटर पे इस लाइन के चलने का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका जवाब ये है, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आपके कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसका नाम होता है रैम, राइट, आपके कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है दैट इज कॉल्ड एज रैम, उसके अंदर इस वेरिएबल के लिए एक स्पेस रिजर्व हो जाएगी ऑफ ईदर 2 bytes और 4 bytes। फिर सुनिए मेरी पूरी लाइन, मैंने कहा जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आपके कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है जिसका नाम रैम है, जहां पर सारे प्रोग्राम्स जाकर एग्जीक्यूट होते हैं, आपका एक कोड भी रैम के अंदर रन होगा और रैम के अंदर याद रखिएगा सेल्स होते हैं, राइट, ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसे जैसे मैथ्स की कॉपी के पेज के आपको डिजाइन दिखते होंगे। गौर करिए रैम का मैं आपको लॉजिकल डायग्राम दिखा रहा हूं जो हम प्रोग्रामर्स की नजर से रैम हमें दिखती है। तो फॉर अस प्रोग्रामर्स रैम इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू सेल्स, हर सेल अपने अंदर 1 byte की इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकता है। तो मैंने कहा जैसे ही आप इंट ए डिक्लेयर करेंगे इस वेरिएबल के लिए रैम के अंदर रिजर्व हो जाएंगी या तो 2 byte और या तो 4 byte। अब यहां फिर एक क्वेरी आती है 2 byte या 4 byte मैं क्यों कह रहा हूं और मैं कैसे कह रहा हूं कि 2 या 4 ही byte यूज होंगी। तो एक्चुअल में हर डेटा टाइप के लिए कंपाइलर्स एक फिक्स स्पेस रिजर्व करते हैं मेमोरी में हर डेटा टाइप के वेरिएबल्स के लिए। तो ये मेरा कहना नहीं है कि इंटीजर मेमोरी में 2 byte लेगा, ये टर्बो कंपाइलर का कहना है कि जब भी प्रोग्रामर एक इंट वेरिएबल बनाएगा वो मेमोरी में स्पेस एलोकेट करेगा 2 byte। याद रखिएगा एक सेल रैम का 1 byte लेता है, तो आप समझ सकते हैं दो सेल एक साथ रिजर्व हो जाएंगे और आपके वेरिएबल के लिए रिप्रेजेंट हो जाएगी मेमोरी में एक लोकेशन जिसका नाम पड़ जाएगा ए, राइट। तो इंटीजर्स मेमोरी में जगह लेते हैं 2 byte की, कैरेक्टर्स मेमोरी में जगह लेते हैं 1 byte की और फ्लोट मेमोरी में जगह लेते हैं 4 byte की। मैंने क्यों कहा इंटीजर 2 या 4 byte लेंगे, इसलिए क्योंकि अलग अलग कंपाइलर्स पे अलग अलग साइज होती है इन डेटा टाइप्स की। जैसे जीसीसी कंपाइलर अगर आप यूज करते हैं तो वो इंटीजर को स्पेस 2 की जगह 4 byte देता है, बट क्योंकि मैंने कहा था ओपनिंग लेक्चर्स में कि इनिशियल चीजें हम सी की टर्बो कंपाइलर पे पढ़ेंगे, सो अकॉर्डिंग टू टर्बो कंपाइलर इंटीजर्स ऑक्यूपाई स्पेस ऑफ 2 byte। तो आपकी रैम के अंदर लेट से ये वाला एक एरिया रिजर्व हो जाएगा, इसको मैं रेड कलर से शेड करके दिखा रहा हूं ये एरिया, और इस एरिया का नाम हो जाएगा आपके प्रोग्राम के लिए ए। सो ये एरिया जिसका नाम ए है 2 byte का एरिया आपके कंप्यूटर की रैम के अंदर रिजर्व हो जाएगा जब इस स्टेटमेंट का होगा एग्जीक्यूशन। ओके, तो कोई भी वेरिएबल जब प्रोग्रामर बनाता है तो लैंग्वेज तय करती है कि उसको मेमोरी में जगह कितनी मिलेगी और एक्चुअल अलॉटमेंट जगह का इस प्रोग्राम के रन होने पर करेगा आपके कंप्यूटर का रन होने कंप्यूटर में रन होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्योंकि अपन टीसी कंपाइलर पे काम कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था टीसी इज अ डॉस बेस्ड कंपाइलर, तो जब यह प्रोग्राम आप रन करोगे तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इस प्रोग्राम के इस वेरिएबल के लिए रैम में रिजर्व कर देगा स्पेस ऑफ 2 bytes, राइट। ऐसी अगर आप फ्लोट बनाते तो स्पेस रिजर्व हो जाती 4 byte की, आप कैर बनाते तो स्पेस मेमोरी में रिजर्व हो जाती 1 byte की। ठीक है, अब क्योंकि मुझे और कोई वेरिएबल नहीं चाहिए तो इसके नीचे मैंने अगला स्टेटमेंट लिख दिया विच इन माई केसेस CLR SCR। ठीक है, देन अगर इस आउटपुट को आप ऑब्जर्व करें तो मैं चाहता हूं स्क्रीन पर लिखा हुआ है एंटर योर एज, इसमें कोई खास बात नहीं है, यह हम सिंपली कर सकते हैं by making use of the printf statement that is enter your age। अब मैंने आपसे कहा था इस मैसेज के बाद प्रोग्राम स्टॉप हो जाए, पॉज हो जाए और यूजर के इनपुट का वेट करें।
एक बार फिर मैं याद दिला देता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम यहां गेट सीएच लगा देंगे तो क्या प्रोग्राम पॉज नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यानी ये प्रोग्राम आपको ये मैसेज देकर पॉज हो जाएगा, लेकिन जब इस प्रोग्राम के पॉज होने के बाद एक यूजर की तरह आप कुछ इनपुट देने की शुरुआत करेंगे, तो आप जैसे ही पहला डिजिट प्रेस करेंगे, इधर आप प्रेस करेंगे और आप देखेंगे प्रोग्राम अगले स्टेटमेंट को रन करना स्टार्ट कर देगा, जो भी गेट सीएच के नीचे मैंने लिखा होगा। तो गेट सीएच से फिलहाल के लिए आप वैसी वैल्यूज नहीं ले सकते हैं जैसी इस प्रोग्राम के अंदर मैं लेना चाहता हूं, राइट? तो फिलहाल अगर आप यूजर इनपुट्स लेना चाहते हैं तो आपको सी का एक बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जिसका सी में नाम होता है स्कैनएफ। क्यों इंपॉर्टेंट है? दो रीजन से। नंबर वन, ये एक ऐसा काम कर रहा है जो अभी तक आपने सी में किसी और फंक्शन से नहीं करा है। नंबर टू, सी लैंग्वेज में जो रन टाइम एरर्स आती हैं, रन टाइम एरर्स वो होती हैं जो कंपाइल टाइम पे पकड़ी नहीं जाती, कंपाइल टाइम पे पकड़ में नहीं आती, बट प्रोग्राम जब रन होता है तो आउटपुट प्रोग्राम का बहुत अजीब, बहुत एब्सर्ड दिखता है। आप जो सोचते हैं उससे बिल्कुल हटकर आउटपुट आपके प्रोग्राम का आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम मानते हैं प्रोग्राम के अंदर है रन टाइम एरर्स। तो स्कैनर एक मेन रीजन होता है जब प्रोग्रामर गलत ढंग से इसको लिखता है तो प्रोग्राम जनरेट करता है रन टाइम एरर। सुनने में थोड़ी अजीब बात आपको लगेगी कि स्कैनर अगर गलत ढंग से हम लिखते हैं तो सिंटेक्स एरर क्यों नहीं आती है? कुछ केसेस में है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में स्कैनएफ में जब हम गलतियां करते हैं, उसके सही फॉर्मेट को नहीं लिखते हैं, तो प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाता है बट रन टाइम पे देने लगता है एब्सर्ड बिहेवियर। किन किन बातों पे स्कैनएफ लिखते वक्त ध्यान देना है वो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। ध्यान से इन पॉइंट्स को सुनिएगा, समझिएगा। स्कैनएफ का जनरल सिंटेक्स होता है, आप स्कैनएफ लिखते हैं, पैरेंथेसिस ऑन करते हैं और डबल कोट्स ऑन करते हैं, बिल्कुल प्रिंटएफ की तरह। अब आपको याद होगा प्रिंटएफ के डबल कोट्स के बाद आप अपने पसंद का कोई भी टेक्स्ट, कोई भी मैसेज लिख सकते हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। अभी तक आप लिख रहे थे हेलो यूजर, वेलकम टू सी, आज के लेक्चर में आप लिख रहे हैं एंटर योर एज एंड सो ऑन। बट स्कैनर के डबल कोट्स में हम मैसेजेस नहीं लिखते हैं, स्कैनर के डबल कोट्स में हम एक स्पेशल सिंबल्स के सेट में से कोई सिंबल लिखते हैं। सी ने कुछ स्पेशल सिंबल्स का एक सेट बनाया हुआ है, वो मैं आपसे भी शेयर करूंगा। उनमें से हम कोई एक पर्टिकुलर सिंबल यहां पर लिखते हैं, किस आधार पर वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। अभी समझ लीजिए कुछ स्पेशल सिंबल यहां पर लिखा जाता है, उसके बाद इस डबल कोट को करा जाता है बंद। डबल कोट बंद करने के बाद अपन कॉमा लगाते हैं, सिंटेक्स का पार्ट है, ये कॉमा नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी। उसके बाद एक नया सिंबल जो आज आप हल्का सा इंट्रोडक्शन इसका लीजिएगा, इसको डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सी लैंग्वेज कॉल्ड एज पॉइंटर। अभी मैं आपको इसका नाम भी बताता हूं, अभी के लिए आप इसको एम्परसेंड या एंड मानिए। और उसके बाद आप मेंशन करेंगे आपके वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल को आप बना रहे हैं वैल्यू होल्ड करने के लिए। और जैसे आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा, क्योंकि स्कैनर को आप कॉल कर रहे हैं तो इसके लास्ट में आप लगाएंगे एक सेमीकोलन। एक बार फिर रिवाइज करते हैं सिंटेक्स को। स्कैनएफ फंक्शन है, इसका फुल फॉर्म होगा स्कैन फॉर्मेटेड, पैरेंथेसिस ऑन करेंगे, डबल कोट्स ऑन करेंगे, डबल कोट्स के अंदर कुछ लिस्ट ऑफ सिंबल्स आपको अभी मैं दिखाऊंगा, उनमें से एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेस पर सिंबल सेलेक्ट करा जाएगा, डबल कोट्स बंद कर दिए जाएंगे, कॉमा लगाया जाएगा, ये सिंबल लगाया जाएगा जिसे अभी मैं एंड या एम्परसेंड बुला रहा हूं, और उसके बाद हम लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम। और क्योंकि हम स्कैनर फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसलिए उसके लास्ट में हम लगाएंगे एक सेमीकोलन। अब मैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से अगर स्कैनर को यूज करूं तो मेरा कोड का अगला स्टेटमेंट बनेगा स्कैनएफ डबल कोट्स ऑन। अब बात आती है ये कौन से स्पेशल सिंबल्स हैं जो मुझे इस अपने प्रोग्राम के अंदर याद रखने और यूज करने हैं। तो सी लैंग्वेज ने बोला है अगर आप यूजर से एक इंटीजर लेने वाले हैं, जो मेरे साथ भी केस है, तो आप स्कैनएफ के डबल कोट्स में दो में से कोई एक ऑप्शन यूज करेंगे, परसेंटेज डी या परसेंटेज आई। इसको आप कॉन्सेप्ट मानिएगा, इसको आप सी का रूल मानिएगा, इसमें कोई लॉजिक सोचने की कोशिश मत करिएगा। जैसे मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, ऐसे सी का आप इसे फॉर्मूला या सिंटेक्स माने। तो स्कैनर के डबल कोट्स में आप लिखेंगे परसेंटेज डी। अगर आपको लगता है आपको यूजर से कोई कैरेक्टर लेना है तो आप स्कैनर के डबल कोट्स में लिखेंगे परसेंटेज सी। अगर आपको यूजर से कोई फ्लोट लेना है तो स्कैनर के डबल कोट्स में आप लिखेंगे परसेंटेज एफ। ध्यान दीजिए, अगर इंटीजर लेना है तो परसेंटेज डी, परसेंटेज आई भी आप लिख सकते हैं बट ज्यादा पॉपुलर परसेंटेज डी है, देन कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी और फ्लोट के लिए आप यूज करेंगे परसेंटेज एफ। ओके,
मैं बहुत देर से इन्हीं को आपको सिंटेक्स लिखते वक्त स्पेशल सिंबल बुला के समझा रहा हूं। अब इनका आप प्रॉपर नाम भी सुन लीजिए, ये तीनों के तीनों सी लैंग्वेज में कहलाते हैं, चारों और भी इनके जैसे हैं बट अभी के लिए ये सब के सब सी लैंग्वेज में कहलाते हैं फॉर्मैट स्पेसिफायर। ये भी समझिए व्हाई वी कॉल देम एज फॉर्मैट स्पेसिफायर। फॉर्मैट का मतलब होता है नेचर, स्पेसिफाई का मतलब होता है बताना। तो ये वो सिंबल्स हैं जिन्हें देखकर स्कैनर फंक्शन को ये पता लगता है कि आने वाला डेटा उसे किस फॉर्मेट में मिलना है, किस फॉर्मेट में उसे उसको अंडरस्टैंड या कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां 25 लिखते हैं, आपको एक इंसान के तौर पे 25 इंटीजर या नंबर नजर आता होगा, स्कैनर 25 को क्या मानेगा ये इस बात पे तय करेगा या आपकी कौन सा लगाया हुआ यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे अगर आपने स्कैनर में यहां लगा दिया परसेंटेज सी, तो आप यहां कुछ भी टाइप कर लें, कुछ भी टाइप कर लें, स्कैनर उसे एक कैरेक्टर की तरह देखेगा। और ये सबसे पहला और मेन गलती होती है जो लोग स्कैनर लिखते वक्त कर देते हैं। आपको मैंने कहा ये याद रखना पड़ेगा कि इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ। अगर आपने इनमें चीजें इंटरमिक्स करना स्टार्ट कर दिया तो मैक्सिमम केसेस में स्कैनर एब्सर्ड बिहेवियर दिखाएगा, कोड कंपाइल होगा, जीरो एरर के साथ होगा, लेकिन रन टाइम पे प्रॉब्लम्स आएंगी और आप समझ नहीं पाएंगे गलती आपसे क्या हो गई है। तो मेरे प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, बिकॉज आई एम यूजिंग एन इंटीजर, मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर स्कैनर के डबल कोट्स में लगाना चाहिए परसेंटेज डी। ये एक टेक्निकल स्टेटमेंट हुआ, इसको सिंपल हिंदी में कन्वर्ट करें तो आप सी लैंग्वेज से कह रहे हैं यूजर से एक इंटीजर मिलेगा, उस इंटीजर को करना है स्कैन। स्कैनर को कैसे पता इंटीजर ही मिलेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर। स्कैनर ये नहीं देखेगा वहां आ क्या रहा है, वो बस इतना मानकर बैठेगा कि जो भी आएगा स्कैनर को उसे ट्रीट करना है एज एन इंटीजर। अब आप इमेजिन करिए कल को आप यहां पर कैरेक्टर टाइप कर देते हैं तो स्कैनर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा कि यहां परसेंटेज डी लिखा हुआ है और यूजर ने टाइप करा हुआ है कैरेक्टर। सो डू रिमेंबर, आप जैसा इनपुट लेना चाहते हैं वैसी डेटा टाइप चुनिए, जैसी डेटा टाइप चुनते हैं वैसा चुनिए फॉर्मेट स्पेसिफायर। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बिगनर के लिए ध्यान रखिएगा, वरना काफी टाइम आपका वेस्ट होगा उस छोटी सी गलती को ढूंढने में जो स्कैनर गिरते वक्त आपसे हो जाएगी। इसके बाद डबल कोट्स को ओपन कर देते हैं बंद। यहां भी गौर करिएगा, इस डबल कोट और डी के बीच में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देनी है। देने पे क्या होगा वो आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको एक्सपीरियंस होगा क्या होगा अगर यहां पर हम एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ देते हैं। कोई स्पेस नहीं छोड़नी है, तो डबल कोट्स बिल्कुल इस परसेंट एडी के साथ लगा के बंद कर देना है। उसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद एक नया सिंबल, अब इसका भी आप प्रॉपर नाम सुन लें। इस सिंबल को सी लैंग्वेज में बुलाते हैं अपन एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट क्या है इसका। मैंने आपसे कहा था रैम के अंदर सेल्स होते हैं, मैंने आपसे यह भी कहा था हर सेल की साइज या कैपेसिटी नॉर्मली 1 byte की होती है। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि इतने सारे सेल्स को कंप्यूटर डिफरेंशिएट कैसे करेगा, जैसे एक मोहल्ले में बहुत सारे घर हैं, कैसे पहचाना जाएगा कौन सा घर कौन सा है? तो यह पहचानने के लिए घरों को दिए जाते हैं एड्रेसेस या नंबर्स। बिल्कुल ऐसे आपके कंप्यूटर्स के अंदर रैम के जो सेल्स होते हैं, हर सेल का आइडेंटिफिकेशन उस सेल को अलॉट करा गया होता है एड्रेस। हर सेल का आइडेंटिफिकेशन उस सेल को अलॉट करा गया एड्रेस होता है। शायद आपको लग रहा होगा बट सर यहां तो आपने ए लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, फिजिकली ये ए नहीं है, फिजिकली इस ब्लॉक का अपने आप में कोई ना कोई एड्रेस होगा। फिजिकली माने एक्चुअली, लॉजिकली हम मानते हैं हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल का नाम रैम के एक सेल को अलॉट हो जाता है, बट वो लॉजिकल थिंकिंग है। फिजिकली इस वेरिएबल के नाम की नहीं, रैम के सेल की आइडेंटिफिकेशन होती है उसके करस्पॉन्डिंग एड्रेस से, राइट? तो जो पहला सेल होता है रैम का उसका एड्रेस जीरो होता है। ये कंप्यूटर्स की नेचर होती है कि वो एड्रेस अलॉटमेंट हमेशा शुरू करते हैं फ्रॉम जीरो। अगला जो एड्रेस होगा, क्योंकि सब एक एक बाइट में है, तो अगला एड्रेस 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे चलते चले तो कोई एक एड्रेस इस पर्टिकुलर सेल का पड़ेगा। वही एड्रेस इस सिंबल से हो रहा है आइडेंटिफाई, मतलब ये सिंबल को अगर हिंदी में कन्वर्ट करा जाए इस पूरी लाइन को, तो आप स्कैनर फंक्शन को ये बोल रहे हो यूजर से इंटीजर लो। मैं फिर याद करा दूं इंटीजर ही क्यों, क्योंकि परसेंटेज डी बताता है आने वाली वैल्यू इंट है। ये वैल्यू लेकर रैम में जाओ और रैम में ए वेरिएबल के एड्रेस पे ले जाकर इसको कर दो स्टोर।
ध्यान दीजिएगा, ए वेरिएबल के एड्रेस पे ले जाकर इसको कर दो स्टोर। इस बारे में बहुत खुल के बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, एक चैप्टर ही इस एड्रेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है सी लैंग्वेज में, और मैंने कहा दैट इज कॉल्ड एज पॉइंटर। जब तक हम पॉइंटर नहीं पढ़ते हैं तब तक आप बस इतना याद रखें, व्हेनेवर यू राइट स्कैन एफ यू पुट एन एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अगर आप कहें सर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, प्रोग्राम कोई एरर नहीं देगा कंपाइल टाइम पे, मार्क माय वर्ड्स, प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं देगा, कोड कंपाइल होगा लेकिन जैसे ही आप इस कोड को रन करेंगे बिहेवियर आपको इसका मिलेगा एब्सर्ड, आप देंगे कुछ और आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कुछ और आएगा। तो इन दो बातों का स्पेशल ध्यान स्कैनएफ में रखना चाहिए, नंबर वन जैसी टाइप वैसा यूज करें फॉर्मेट स्पेसिफायर, नंबर टू क्योंकि स्कैनएफ रैम के अंदर जाकर डेटा स्टोर करने का काम करता है तो स्कैनएफ को रैम के उन एड्रेसेस की जरूरत पड़ती है जहां पर ये वैल्यू स्टोर होगी, और इसके लिए प्रोग्रामर को देना ही पड़ता है सिंबल ऑफ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। प्रोग्रामर अगर इसे नहीं लिखता लॉजिकली सोचिए तो सिंटेक्स एरर आनी चाहिए, बट यही मैं समझा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये एरर सिंटेक्स में नहीं गिनी जाएगी, ये एम्परसेंड या एड्रेस ऑफ भूल जाना रन टाइम एरर कहलाएगा। ठीक, तो अब इस चारों लाइनों को एक साथ फ्लो में समझते हैं। जैसे ही आप इंटेल लिखेंगे आपके रैम के अंदर कोई दो बाइट का सेल आपके वेरिएबल के नाम पर करा जाएगा अलॉट, कोई भी दो बाइट, CLRSCR स्क्रीन क्लियर कर देगा बट आपको कुछ नहीं दिखेगा, प्रिंट है स्क्रीन के ऊपर लिख देगा एंटर रेज, आपको अभी भी कुछ नहीं दिखेगा। अब आएगा आपके प्रोग्राम के अंदर स्कैनएफ, जैसे ही स्कैनएफ आएगा सी लैंग्वेज पहला काम बिल्कुल वो ही करती है जो वो गेट सीएच के लिए करती है, क्या, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को पॉज कर देती है। यानी दोनों फंक्शन, कल तक सिर्फ गेट सीएच पॉज करता था, आज याद रखिए स्कैनएफ भी पॉज करता है, बट फर्क क्या है, गेट सीएच पॉज करने के बाद जब कंसोल दिखाएगा तो आपके सिंगल की स्ट्रोक पे कंसोल बंद होकर आगे का कोड रन हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्कैनएफ लगाते हैं तो कंसोल तब तक खुला रहेगा जब तक कुछ लिख कर, ध्यान दीजिए कुछ टाइप करके आप अपनी तरफ से एंटर की स्ट्राइक ना कर दे, यानी स्कैनएफ तब तक कंसोल नहीं बंद करता, आगे वाला कोड नहीं चलाता जब तक कुछ लिख कर यूजर एंटर स्ट्राइक ना करे। तो अगर इस प्रोग्राम का अब इफेक्ट समझा जाए रन टाइम, तो एंटर योर एज के बाद ड्यू टू स्कैनएफ प्रोग्राम हमारा पॉज होगा और कंसोल विंडो खुलेगी, ये मान लीजिए कंसोल विंडो है, यहां प्रोग्राम वेट करेगा कि आप कोई वैल्यू एज एन इनपुट प्रोवाइड करें। लेट्स इमेजिन आपने अपनी वैल्यू अपनी एज प्रोवाइड करी एज 25 के बाद आपने एंटर स्ट्राइक करा, अब स्कैनएफ इस 25 को पिक करेगा एज्यूम करते हुए कि ये एक इंटीजर है, इसलिए नहीं कि ये इंटीजर दिख रहा है, इसलिए क्योंकि आपने परसेंटेज डी लगाया है और वो मानता है परसेंटेज डी का मतलब होता है आने वाली वैल्यू इंट फॉर्म में उसे माननी है, तो इसको इंटीजर मानेगा और ए वेरिएबल के एड्रेस पे ले जाकर कर देगा स्टोर। यहां भी आपको जो लगेगा और जो होगा उसमें फर्क है, हमें लग रहा है कि यहां आकर 25 स्टोर हो रहा है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, यहां 25 स्टोर नहीं हो रहा है, यहां 25 का स्टोर हो रहा है बाइनरी वर्जन, कारण रैम के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे डेटा बिट्स फॉर्म में होल्ड करते हैं और बिट्स का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये जो 25 है, जैसे आपने सीखा होगा बेसिक कंप्यूटर्स में नंबरों को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही स्कैनएफ लेगा इसका बाइनरी वर्जन निकालेगा और वो बाइनरी वर्जन यहां लाकर करेगा स्टोर। बट इतना डीप में ना जाते हुए हम सरफेस लेवल पे अगर समझें तो हमारे लिए मेमोरी के अंदर जाकर डेटा स्टोर हो रहा है 25, एक्चुअल में स्टोर हो रहा है 25 का बाइनरी। ये इस पर्टिकुलर एक लाइन का काम है कि कोड को रोकना, वैल्यू लेना और उसे करेक्ट एड्रेस पे ले जाकर स्टोर कर देना जैसा प्रोग्रामर ने कोड में करा है मेंशन। ठीक है, तो ये चार लाइनें यहां तक का आउटपुट आपको दे देंगी। अब मैं चाहता हूं इसके बाद प्रोग्राम मेरा मैसेज दे योर एजेस और जो भी वैल्यू यूजर ने दी है जो मेमोरी में गई है वो रिट्रीव करके स्क्रीन के ऊपर दिख जाए आउटपुट आ जाए, तो हमें एक बार फिर अपने पुराने फंक्शन को याद करना होगा दैट इज प्रिंटएफ। अब प्रिंटर के बाद अपन लगाएंगे डबल कोट्स और डबल कोट्स के बाद लिखेंगे योर एज इज। अब यहां और एक चीज है जो आप जस्ट प्रीवियस लेक्चर के साथ मैच करें तो आपको थोड़ी डिफरेंट दिखेगी। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि अगर हम दो प्रिंटर्स लगाते हैं तो यह इस बात की गारंटी नहीं होता कि आउटपुट दो अलग अलग लाइनों पर आएगा। ठीक है, हमें आउटपुट अलग लाइन पे लाने के लिए आपको ध्यान होगा \n यूज करना पड़ा था। आज के लेक्चर में आप नोटिस करिए मैं यहां कोई वैक्सेशन नहीं दे रहा हूं, फिर भी मुझे योर एजेस वाला आउटपुट नेक्स्ट रो पे ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि स्कैनर लगे होने के कारण यूजर को कुछ लिखकर एंटर कंपल्सरी दबाना पड़ेगा और जब वो एंटर प्रेस करेगा तो वैसे ही कर्सर आ जाएगा ऑन द नेक्स्ट रो।
इसलिए इस वक्त हम बैकस्लैशन अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी न्यू लाइन एंटर हो ही जाएगी स्क्रीन पे कंसोल पे यूजर की तरफ से एंटर प्रेस होने के कारण। फिर भी अगर आपको एक बैकस्लैशन देना है आप दे सकते हैं, बस होगा यह कि एक ब्लैंक लाइन और छूटेगी, उसके बाद आपके प्रोग्राम का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अब प्रोग्राम का लास्ट पार्ट, योर एजेस जो आपने लिखा है वो तो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, आप क्योंकि बैकस्लैशन नहीं दिया तो थोड़ा एग्जैक्ट पोजिशन दिखाऊं तो बिल्कुल इस लाइन के नीचे वाली लाइन पे आएगा मैसेज योर एज इज। ठीक, अब योर एज इज के बाद ध्यान दीजिएगा, हम चाहते हैं ए वेरिएबल आए या ए वेरिएबल की वैल्यू आए। अगर आपने ए लिख दिया ऐसे तो याद रखिएगा प्रिंटएफ भी ज्यादा कुछ नहीं करेगा, ए को एज इट इज स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा। तो यूजर को आपका प्रोग्राम क्या बोलेगा, तुम्हारी एज ए है। राइट, कुछ अजीब सा आंसर, अपन नहीं चाहते हैं कि यहां ए प्रिंट हो, हम चाहते हैं यही नंबर प्रिंट हो जो यूजर ने यहां टाइप करा है। अब मेरे प्रोग्राम में ये नंबर कहां है, मेरे प्रोग्राम में ये नंबर मेमोरी में ए वेरिएबल में स्टोर्ड है। तब हमें प्रिंटएफ का और एक सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा, प्रिंटएफ का एक नया सिंटेक्स। अभी तक आप प्रिंटएफ में सिर्फ मैसेजेस लिखते थे, बट याद रखें प्रिंटएफ में भी हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्यों, क्योंकि प्रिंटएफ को भी हम ये बताना चाहते हैं कि मेमोरी में जो बाइनरी वैल्यू पड़ी है, ध्यान दें ये मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में है, इसे उसे पिक करना है और इंट फॉर्म में कन्वर्ट करके स्क्रीन के ऊपर कर देना है डिस्प्ले। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि यहां 25 का बाइनरी है तो वो बाइनरी यूजर को दिखे, मैं चाहूंगा 25 यूजर को दिखे। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा योर एज इज अगेन फॉलोड बाय परसेंटेज डी। ठीक है, स्कैनर में भी और प्रिंटर में भी दोनों जगह हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। स्कैनर वैल्यू लेकर मेमोरी में भेजेगा और फॉर्मेट स्पेसिफायर उसे बताएगा वैल्यू को किस फॉर्म में इंटरप्रेट करना है। प्रिंटर परसेंटेज डी से यह पहचानेगा कि बाइनरी वैल्यू को किस फॉर्म में वापस कन्वर्ट करके स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर स्कैनर और प्रिंटर के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करवाता है। स्कैनर फंक्शन के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर इनपुट को कन्वर्ट करवाता है बाइनरी में, प्रिंटर के लिए दिया गया फॉर्मेट स्पेसिफायर बाइनरी को कन्वर्ट करवाता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आप वैल्यू स्क्रीन पे दिखाने में इंटरेस्टेड है। तो योर एज इज परसेंटेज डी, परसेंटेज डी के बाद अब आप डबल कोट्स बंद करेंगे। अब प्रिंटर को आप यह भी बताएंगे इस जगह पर किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होनी है। अभी आपको लग सकता है एक ही वेरिएबल है, बट हो सकता है प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल्स हों, तो प्रिंटर कैसे समझेगा इतने सारों में से किसकी वैल्यू यहां पर आएगी। तो आप यहां कॉमा लगाते हैं जैसे आप स्कैनफ में लगाते हैं और सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यहां लगाने की जरूरत नहीं है। एड्रेस ऑफ स्कैनर में लगेगा, प्रिंटर में आपको उसे नहीं लगाना है। अगर लगा देंगे तो फिर वैल्यू नहीं आएगी, फिर डिस्प्ले होना शुरू होगा एड्रेस, और वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। एड्रेस पे ज्यादा बात हम अभी नहीं करेंगे अंटिल वी डिस्कस द चैप्टर कॉल्ड एज पॉइंटर। इसलिए मैंने कहा था पॉइंटर चैप्टर जब तक हम नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एक ही फंक्शन में आप एड्रेस ऑफ यूज करते रहेंगे टिल पॉइंटर्स एंड दैट इज स्कैनर फंक्शन। प्रिंटर में भी आप अभी इनिशियली एड्रेस ऑफ यूज नहीं कर रहे हैं, सो यहां पर आप लिख देंगे सिंपली वेरिएबल का नाम दैट इज ए। अब होगा क्या, योर एज इज एज इट इज आएगा, ये जो परसेंटेज डी है ये रिप्लेस हो जाएगा विद द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ए, जो भी वैल्यू यहां पर स्टोर्ड है। तो प्रिंटर देखेगा यहां पर क्या स्टोर्ड है, उसका इंटीजर कन्वर्जन करेगा। अब यहां 25 का बाइनरी था तो इंटीजर वापस 25 बन जाएगा और स्क्रीन के ऊपर यूजर को दिख जाएगा योर एज इज 25। ओके, अब क्योंकि कंसोल बंद हो चुका होगा, आप वापस उसे खोलकर यूजर को आउटपुट दिखाना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं, तो आप अपने लास्ट लेक्चर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट वुड बी गेट सी एच। यहां क्यों नहीं यूज करा हमने स्कैनर, अगर कंसोल ही खोलना था तो। प्रॉब्लम ये, अगर हम स्कैनर लगाते तो एक तो इतना बड़ा सिंटेक्स लिखना पड़ता, दूसरा स्कैनर कंसोल खोलता नहीं है, वो इनपुट के लिए कंसोल को पॉज कर देता है, तो फिर यूजर को कुछ लिखना पड़ता, एंटर दबाना पड़ता, तब कोड बंद होता। यहां मुझे कोई इनपुट लेना ही नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूं प्रोग्राम पॉज हो जाए, यूजर को आउटपुट दिख जाए और वो एंटर स्ट्राइक करे तो प्रोग्राम बंद हो जाए, बस उसके बाद लास्ट में अपन लगा देंगे एक कर्ली ब्रेस। तो ये हमारा प्रोग्राम था जिसका आज सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो फंक्शन पढ़ा, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज स्कैनर, फुल फॉर्म इसका स्कैन फॉर्मेटेड। राइट, तो इस लेक्चर में मैंने आपको एक सिंगल वैल्यू कैसे स्कैन करते हैं ये सिखाया। अब आप इस प्रोग्राम की वैरायटीज ट्राई करिएगा, आप इंटीजर की जगह फ्लोट करिएगा, फिर कैरेक्टर करिएगा और इस प्रोग्राम में एक बार में एक वैल्यू लेकर देखिएगा कैसे लिया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा अगर मुझे तीनों वैल्यूज या मल्टीपल वैल्यूज एक ही प्रोग्राम में एक साथ लेनी हो तो वो हम सी में किन किन तरीकों से कर सकते हैं, यानी स्कैनर की भी वैरायटीज हैं। तो अगले लेक्चर में स्कैनर के और सिंटैक्सेस हम देखेंगे
और उसके बाद फिर चलेंगे टूवर्ड्स डिटेल्ड डिस्कशन रिगार्डिंग डेटा टाइप्स. अभी तो मैंने आपको बहुत बेसिक टाइप्स बताई हैं, सी में मैंने कहा इनके सब टाइप्स भी अवेलेबल हैं जिन्हें हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं. सो आई होप ये लेक्चर स्कैन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन आपको क्लियरली समझा गया होगा. राइट, द नेक्स्ट लेक्चर फिर अपन डिस्कस करते हैं स्कैन एफ की और वेराइटीज. थैंक यू फॉर अ पेशेंस हियरिंग. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.